भाई साहब शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम रामदयाल लोधी है और मैं जनपद चित्रकूट से आता हूँ। कहते हैं प्रभु श्री राम की धरती है चित्रकूट में। चित्रकूट में प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष वनवास किए थे। मेरी धरती में, उस धरती से आता हूँ और उस समाज से आता हूँ जिस समाज से आज वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में मंत्री पद पर बैठे हैं संजीव सिंह लोधी। उनके दादा बोलते थे कि अगर कोई तुम्हारा अधिकार लूट रहा है तो उस अधिकार को लेने के लिए आप किसी से नहीं झगड़ना, लेकिन थप्पड़ मार के अपना हक और अधिकार ले लेना। लेकिन न जाने संदीप सिंह लोधी जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके समाज से आता हूं, जनपद चित्रकूट से आता हूं, लेकिन आज तक आपको शर्म नहीं आई है कि आपके समाज का एक लोधी समाज का लड़का राष्ट्रपति होते हुए भी राष्ट्रपति सम्मान सर गर्व हुआ था उस दिन। मेरे जिले में मुझे गर्व हुआ था कि मैं इतना पढ़ा लिखा और देश के प्रथम नागरिक से सम्मानित हुआ हूँ, लेकिन आज इस बारिश में, इस लखनऊ की धरती में बैठा हूँ सिर्फ एक शिक्षक की नौकरी के लिए, क्योंकि मैंने उस नौकरी को अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, लगन से, खून पसीने की कमाई से जाके लिस्ट में नाम लाया था। योगी जी आप बोलते हैं मेरे प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश को चलाने वाले हैं, आप प्रदेश में जितनी जनता रहती है उनका पालन पोषण करने वाले हैं। आपने बोला था कि मुझे योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो आपने 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक की और यह निर्णय लिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और हम 6,800 सीटों पर, ये जो घोटाला साबित हुआ 6,800 सीटों का घोटाला हुआ, और आपने माना भी 5 जनवरी 2022 को हम लोगों को लिस्ट निकाल दिया। ऐसी क्या विडंबना हो गई आपको, ऐसी क्या विडंबना हो गई कि 2 साल से हम लोगों को रोड में भटका रहे हैं? क्या आपको दिखता नहीं है कि आपके प्रदेश में, आपके प्रदेश में ये 6,800 बच्चे जो गरीब कमेरावादी निचले दबे कुचले समाज से आते हैं और इतना मेहनत करके अपने माता पिता की खून की कमाई को लेकर सर मेहनत करते हैं कि हमें किसी तरह नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, क्योंकि ये एक सपना होता है। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने गांव से बताना चाहता हूँ, अकेले संदीप सिंह जी से बेसिक शिक्षा मंत्री है, आप सुन लीजिए, मैं अपने गांव में लोधी समाज में पहला बच्चा हूँ जो इस बेसिक शिक्षा विभाग में चयन पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके रहते हुए, अगर आपके रहते हुए मुझे नौकरी नहीं मिली तो आने वाले समय में इन मधुवादियों के लिए आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका समाज, ये दलित पिछड़ा समाज भटकता रहेगा और इनकी गुलामी करता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर आप में ताकत है, बाबूजी के कुछ भी लक्षण है, तो आप हम लोगों की नियुक्ति करिए, हम लोग यहाँ मरने के लिए उतावले हैं। आज बारिश हो रही, बारिश में सभी लोग खड़े हैं, आपको हमारा दर्द पीड़ा अगर दिखता हो करिए, क्योंकि कहते हैं राजनीति किसी की पुश्तैनी नहीं होती, एक दिन आती है एक दिन चली जाती है। साहब हम वो लोग हैं, जब हम लोग एक साथ खड़े हो गए ना, तो आप इस देश की बात छोड़िए, इस प्रदेश की बात छोड़िए, आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहां आपका स्थान है। सत्ता जब चली जाती है साहब ना, तो ये जो कुर्सी आपको आज मुबारक है, मेरे जैसे जहां मैं इस बारिश में बैठा हूं, एक दिन आपको उस बारिश में ही बैठना पड़ेगा। मैं आप सभी से कहूंगा, भाजपा सरकार से कहूंगा, पिछड़े दलित जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, दलाल हो, गुलाम हो, सत्ता के गुलाम हो, तुम लोगों को वोट ले ले तो हमारी, लेकिन हमारी पीड़ा नहीं दिखती है। आज ये समाज का बंदा अगर रो रहा है तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से रो रहा है। ये मेरा हौसला कभी तुम लोगों की वजह से कम नहीं होगा, चाहे मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे मुझे यहाँ से मेरी लाश जाए,
लेकिन अपना हक और अधिकार अपनी नौकरी में यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये बात सुन लीजिए, ये धमकी नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा रोजी रोटी छीनी गई है, मेरी मेहनत की कमाई छीनी गई है। सर, अगर आपको अब भी होश नहीं आया तो जो आप चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नौकरी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि आप अगर मलाई आज खा रहे हैं तो सिर्फ हमारी वोटों से खा रहे हैं सर। जी बिल्कुल। तो सर आपने एक बहुत बड़ी बात अभी जोश जोश में आपने कही कि मनुवादियों, इसका क्या तात्पर्य है आपका? मनुवादी इसीलिए कह रहा हूँ सर, अगर मनुवादी ना होती, मैं बता रहा हूँ, यही पुलिस की भर्ती आई है, 60,000 कुछ भर्ती आई है, एक दो विधायक जाते हैं, विधायक और जाते हैं, माननीय मुखिया से मिलते हैं और उनको उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिल जाती है तत्काल, लेकिन 2 साल हो गए मेरी लिस्ट को आए, मेरा नियुक्ति क्यों नहीं हुआ? ये क्या है सर, इसको आप क्या बोलेंगे? मैं इसको जातिवादी बोलूं, मनुवादी बोलूं, क्या बोलूं सर, बताइए। नहीं, मनुवाद तो ये ना, ये तो सिद्ध नहीं हुआ। मनुवाद का हम तात्पर्य आपसे समझना चाहते हैं, मनुवादी मतलब क्या? सर मैं शिक्षक हूँ, मुझे बात रखने दीजिए, मेरी पीड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा। मनुवाद को मैं जातिवाद समझता हूँ सर, मनुवाद को मैं जातिवाद समझता हूँ। अगर मुखिया को, मेरे प्रदेश के मुखिया को मुझे नौकरी देना होता तो मुझे 2 साल यहाँ इको गार्डन में न बैठाते, जिसके लिए आप एक दिन कोई ट्विटर में अभियान चला देता है उसको आप तुरंत नौकरी देते हैं। पिछली भर्ती आई थी 68,500 की, उस दिन में कुछ विशेष वर्ग के लोग, समान वर्ग के लोग SC/RT पे धरना किए थे और एक दिन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी आए और उनको जूस पिलाकर नौकरी देने का काम किया था। क्या हम प्रदेश के बच्चे नहीं है? किसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं सिर्फ यही कहूँ कि पिछड़ा होता जी तो